उदाहरण 9, वर्गमूल 3 गुणा टेन थीटा ऋण 2 साइन थीटा बराबर 0 को हल कीजिए। वर्गमूल 3 टेन थीटा ऋण 2 साइन थीटा बराबर 0 को हल कीजिए। यहाँ पे हल में हम सबसे पहले लेंगे वर्गमूल 3, चूँकि हम जानते हैं कि टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा ऋण 2 साइन थीटा। इसमें हम बराबर 0, यहाँ पे हम लघुत्तम निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को लगाएंगे हम लघुत्तम निकालेंगे और फिर इसका लघुत्तम निकाल के वर्गमूल 3 साइन थीटा ऋण 2 साइन थीटा यहाँ जा जाएगा गुणा कॉस थीटा, और बटे कॉस थीटा को जब हम तिर्यक गुणा करेंगे 0 से तो यह हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब हम दोनों पदों से साइन थीटा को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3 ऋण 2 कॉस थीटा कोष्टक बंद बराबर 0। अब या तो साइन थीटा का मान 0 होगा, तो साइन थीटा का मान जब 0 होगा या वर्गमूल 3 ऋण 2 कॉस थीटा का मान 0 होगा, तो सबसे पहले हम साइन थीटा बराबर 0 लेते हैं। अब हम जानते हैं कि सारणी में साइन का मान 0 जो है शून्यांश में प्राप्त होता है, तो इस तरह से थीटा का मान जो है वह शून्यांश हुआ। ये एक हमारा थीटा का मान एक मिला। अब हमने कहा था कि साइन थीटा बराबर 0 होगा या वर्गमूल 3 ऋण 2 कॉस थीटा का मान 0 होगा, तो हम लेंगे वर्गमूल 3 ऋण 2 कॉस थीटा बराबर 0। अब वर्गमूल 3 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 2 कॉस थीटा बराबर ऋण वर्गमूल 3। दोनों पक्षों में हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष धनात्मक बन जाएगा, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं या कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 3 बटा 2। तो सारणी में हम देखते हैं कि कॉस थीटा का मान वर्गमूल 3 बटा 2 है जो है 30 अंश में आता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थीटा का मान 30 अंश होगा। यहाँ ये हमारा थीटा का दूसरा मान है, तो अतः थीटा बराबर हमने पहले 0 अंश प्राप्त किया और उसी तरह से दूसरे स्थिति में 30 अंश, तो यहाँ पे हमने थीटा के दो मान ज्ञात किए, थीटा बराबर 0 अंश एवं थीटा बराबर 30 अंश, जो कि दिए गए समीकरण का हल है।